पूरी जिंदगी का अगर अगर दोस्ती के डिब्बे में देखेंगे तो आपको एक ही शख्स मिलेगा, और जहां तक रिश्तों की, मैं बहुत ज्यादा आउटगोइंग आदमी नहीं हूं, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, ठीक है, तो यस दैट्स हाउ इट इज. तो मेरे पास जो गिने चुने रिश्ते हैं उनमें से एक जाहिर है सभी के लिए करीबी तरीन माँ ही होती हैं. 2 साल पहले उनको खोया और तब से अब तक कुछ ख्वाब सा चल रहा था. सॉरी. माँ ने कैसे बनाया, मतलब मोहसिन को, दी मोहसिन, आज जो मोहसिन हमारे पास है ना. मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने गायकी के बारे में कि जितना भी मैं अच्छा गाता हूं वो सारा क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम का. जो खामियां हैं वो मेरी ही कोताहियों की वजह से होंगी, मेरी ना रियाजत या मेरी काहली या मेरी सुस्ती की वजह से होंगी. तो इसी तरह जहां जहां पे जितने मेरे में अच्छे गुण होंगे वो तमाम तर मेरी माँ के, और जो खामियां होंगी वो कहीं ना कहीं मेरी ही अपनी ही वजह से होंगी, मैंने मुआशरे से ली होंगी या मैंने अपनी कोताहियों की वजह से अपनाई होंगी. लेकिन जाहिर है कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे में कोई हामी हो, और इसी तरह जितना भी अच्छा अच्छा वेल मैनर्ड, अगर नफासत है, अगर थोड़ी तमीज है, अगर थोड़े आदाब हैं, तो वो सारे माँ के. ठीक है. अगर थोड़ा अक्खड़ है अगर थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा जबान का कड़वा है या सच बोलता है, तो वो शायद इस मुआशरे ने सिखा दिया, उस अकेलेपन ने सिखा दिया जो कराची में गुजारा मैंने, उस जहांगर्दी ने सिखा दिया. कितना अरसा था? करीब 10 साल. 10 साल आपने कराची में अकेले अकेला रहा मैं. हाँ जी. तो वो थोड़ा सा, वो भी एक प्राइवेसी का भी मसला था, तो मैंने कभी किसी से रूम तक शेयर नहीं किया. तो यस, वो उस तन्हाई ने बहुत कुछ सिखाया. ओके. टू बी एनलाइटन नोट, ऐसा क्या करते थे, आपकी प्राइवेसी का इतना मसला था? ऐसा क्या करता था? अच्छा, मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते थे कि तेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं कि तुम्हें घर ही जाना है वापस. तो पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऑफ, आज भी ये रूटीन नहीं बदली मेरी. मेरी शूट्स खत्म होती हैं तो मैं सीधा घर जाता हूँ. ठीक है. मैं हैंगआउट्स नहीं करता, मैं बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ या ऐसा. अच्छा मोहसिन, जो अच्छी बात, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, मगर वो कहते सच बोले पांबड़ बलदा है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ. और भुगतता हूँ मैं वो पांबड़ अक्सर. हाँ, तो वो सच जो है ना, बाज रिश्ते मसलहत, और रिश्ते हमेशा मसलहत से ही निभाए जाते हैं. सच से कोई रिश्ता नहीं निपता, तो फिर मुश्किल नहीं आती जिंदगी में? मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि मेरे पास रिश्ते भी तो नहीं है, क्योंकि मैं शायद इसी वजह से मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है, उस साफ गोई की वजह से ही, उसी साफ गोई की वजह से, या उसी देखिए, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है, ये तो लिखी पड़ी बात है. उसको सुनने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए. मुझमें जो खामियां हैं मैं उनको ओन करता हूं, और मैं उन पे फखर नहीं करता, मैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता हूं वक्त के साथ साथ. मैं फ्लेक्सिबल हुआ हूं, शऊर के साथ साथ आदमी थोड़ा बदलता है. लेकिन यस, जब आप सच बोलते हैं तो आप बहुत कुछ खोते चले जाते हैं, और मैंने बहुत कुछ खोया है. हमने सुना था थोड़ा सा घर के मामला का भी, जो बीच में मैंने थोड़ा सा वो किया, बिकॉज आई थॉट के मैंने आपकी अलहदगी की खबर सुनी थी, तो मुझे ये था कि शायद वो ब्रेकअप में सारा सीन. नहीं नहीं, वो एक किसी बेवकूफ आदमी जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने कम अज कम मुझसे भी पूछने की जहमत गवारा नहीं की कि क्या ऐसा हुआ. ठीक है. और ऐसा एक दो लोगों ने नहीं, कुछ ब्लॉगर्स ने और कुछ बहुत अच्छे और नामवर सहाफियों ने वो खबर शाया की, जिनको फिर मैंने फेसबुक पर जाके इनबॉक्स करके रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ऐसा, इसमें कितनी सदाकत है. तो फिर उन्होंने माजत भी की मुझसे, और उन्होंने वो खबर हटवाई भी. तो वो उसमें कोई, क्योंकि उसके मेरे ख्याल में 5-6 महीने बाद माशाल्लाह मेरे घर पे बेटी हुई थी, तो वो तभी हम दोनों मियां भी चुप कर गए कि इस पे अब क्या लोगों को जवाब देना, क्या इस पे, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल कभी भी नहीं करता. ठीक है. मुझे, आपको मेरी अभी तक की गुफ्तगू से पता चल गया होगा कि मैं बहुत ज्यादा उस नहीं. तो यस, मुझे उस वक्त जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हुई. लेकिन इसी तरह हम एक मॉर्निंग शो पे थे, तो वहां पर मैंने ये बात तब भी क्लियर की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं और चल रही है. अच्छा, माशाल्लाह. लेकिन उसके बाद फिर बेटी का लॉस भी, एक अगेन एक बाप का भी एक लॉस है, वो भी आपने सफर किया है? हाँ जी, कुछ 2 माह पहले. तो यस, तो आई मीन ये भी बहुत बड़ा एक मुश्किल जिंदगी का वो है. मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि अम्मा के बाद
और अब दिल के करीब एक घाव है जो भर नहीं पाता, वहां से खून रिश्ता है, तो वो रिश्ता रहा और बेटी की सूरत में मरहम लगा उस पर। और मुझे याद है जब माहवीन आई मेरी जिंदगी में, तो मैंने जो उनकी तस्वीर के साथ लिखा था वो यही था कि मुझे आफ्टर ऑल दीज ईयर्स आई गॉट अ रीजन टू लिव अगेन, क्योंकि आई वॉज टोटली लॉस्ट आफ्टर माई मदर। और उनके जाने के बाद माहवीन के मुझे मैं नंब हो चुका हूं। मुझे अव्वल तो जब उनकी कराची में ही व्हेन शी प्यूक्ड शी गेट चोक्ड और उनका सांस नहीं आया, तो वो बच्चे में जितनी रेसिस्टेंस होती है उसने उतनी की होगी, लेकिन वो मेरे हाथों में ही उन्होंने वहीं पे, तो खैर, तो कुछ तो उन हॉस्पिटल वालों ने मुझे रोने का मौका नहीं दिया, और उन तमाम चीजों ने जो कागजी कार्रवाई होती है कि क्योंकि मुझे उसको लेके ट्रेवल करना था रिस्पांसिबिलिटी थी। हाँ। तो बस जब जो ही डॉक्टर ने कहा कि उनकी हार्ट बीट नहीं चल रही माहवीन की, और मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे दीजिए, तो पीछे से एक आवाज आई, सर ये बिल एक क्लियर कर दीजिएगा, सर ये पेपर साइन कर दीजिएगा, सर आपको थाने जाना होगा वहां से ये चाहिए, आपको ईडी सेंटर जाना होगा आपको ये चाहिए। तो उस भगदड़ में मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, और बस अब एक नमनेस में जिंदगी गुजर रही है जिसमें किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक बड़ी जिंदगी की खतरनाक सी स्टेज होती है। हाँ जी। कि आप बहुत चीजों से डिटैच और एक उसमें रह रहे होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इतना हमारा हंसना हंसाने वाला इतना खूबसूरत सा फनकार जो है, लेकिन जिंदगी में हर कोई अपने अंदर बहुत सारे ऐसे घाव जो है वो छुपा रहता है। या और ये बड़े लोग और अच्छे लोग वो होते हैं जो अपने गमों को अपने अंदर रखकर अपने चेहरों पे मुस्कुराहटें जो है अपने लोगों क्यों उनकी नुमाइश करनी है, क्यों हमदर्दियां लेनी है। बिल्कुल। सो वंडरफुल टू हैव यू, लेकिन बहुत सारे और सरप्राइजेस अभी मुंतजर हैं। सो आपने साथ रहना है, और साथ साथ में भी बताते चलो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसका मतलब ये है कि आपने आज सना एंड सारास की जो लॉन मैंने पहनी हुई है एग्जैक्ट सेम प्रिंट भी है, और उसके अलावा और बेशुमार खूबसूरत प्रिंट्स जो है हमारे पास आज ये बॉक्सेस में, कैमरा हटाओगे तो पता चलेगा कि बॉक्सेस में, और आप कॉल करेंगे और आप इनमें से कोई एक नंबर अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। किसी नंबर में ड्रेसेस हैं, कुछ में नहीं है, और आपके पास ये मौका हो सकता है अपने लिए आज लॉन का एक खूबसूरत सा जोड़ा हासिल करने का। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदी जनाब, सना एंड सारास की लॉन आज आपको भी मैंने देनी है और सबको देनी है जो मुझे कॉल करेंगे। सिर्फ आपने कॉल करके नंबर्स अपने लिए सिलेक्ट करने हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। उससे पहले हम अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से आज बात कर रहे हैं। मोहसिन मेरे साथ है, मेरे साथ बहुत प्यारी सी निमरा है। अच्छा, दोनों ही बड़ा कमाल गाते हैं गाने पे आने से पहले, है ना? निमरा भी गाती है। जी जी, मुझे पता चला ये सीख भी रही है आजकल। ये सीख भी रही है। जी जी जी। नहीं, हाँ हाँ सीख रही हूँ, सही कह रहे हैं। हर जगह मुझे भी तो कोई सुनाए। अच्छा, वाह, ये दिल चाहता है कसम से। मैं इतनी खरी खरी सुनाऊंगी ना तुम्हें, तुम सीरियसली कमाल है। अच्छा, मैं सुन ही ना लूं किसी की खरी खरी। अरे यहाँ पे अलग ही नोकझोंक शुरू हो गई। ये मतलब किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो मोहसिन को कुछ सुनाए। ऐसे ही बड़ा लाडला पला हुआ हूं तो ऐसे ही। उन्होंने मेरे मीठे की तारीफ की है बस। हाँ। सेल्फी नहीं। हाँ। अच्छा वैसे वैसे मोहसिन मैं हैरान हूँ, आप देखिए हमारी अवाम उन्नास ने जो फैसला किया है यहाँ पर, खुली आंखों से हम वो देख रहे हैं, मगर हम लेकिन उन्होंने वो जो ब्रेक में हुआ वो नहीं देखा ना। वो जो उनके पास गई और उन्होंने उनको एक सेल्फी बेची और वो सब पप्पी की उनको पप्पी भी दी उन्होंने। अब मैं नेशनल टीवी पे ये नहीं कर सकता। उन्होंने जो पप्पी दी उनको ब्रेक के बाद। अरे यार ब्रेक के बाद मतलब यार हम अपने दोनों बाकमाल आर्टिस्टों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप समझें कि इलेक्शन है और आपने वोटर्स अपने हलके को विन करना है। सो प्लीज कम एंड विन योर वोटर्स। पहले मोहसिन, पहले मोहसिन आइए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप?
आपके वोटर्स जो आपका हल्का है, आपने उनको विन करना है, आपने उनसे वोट लेने हैं ज्यादा से ज्यादा. अच्छा ओके चले, यू कैन डू वट एवर, जो आप उन्हें ऑफर करना चाहें, जो आप उनको लालच देना चाहें, जो बरगलाना चाहें, बहलाना चाहें, फुसलाना चाहें, फसाना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं. अच्छा, फील लाइक आप पॉलिटिशियन. फील लाइक ए पॉलिटिशियन? यस. फिर तो सारे झूठे वादे कर जाऊंगा मैं यहाँ पे, क्या बेचारे गालियां देंगे पीछे से मुझे. कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी. हाँ. देखिए, आप अगर मुझे वोट देंगे इसके मुकाबले में, तो मैं आपको एक सेल्फी भी दूंगा. पप्पी नहीं दूंगा, सेल्फी भी दूंगा. ठीक है, एक सेल्फी दूंगा. चलिए, अगर मुझे सबसे ज्यादा वोट जिसने डालेगा ना, तो मैं उसको अपना ब्रेसलेट दे दूंगा. कौन सा वाला? ये वाला. ये मेरा बहुत कीमती और बहुत प्यारा और बहुत करीबी ब्रेसलेट है. ब्रेसलेट है. आपने अक्सर शो में देखा होगा ये पहने हुए मुझे. हाँ? तो ये मैं आपको दे दूंगा, गिव अवे कर दूंगा. गिव अवे कर दूंगा. जो अगर आपको मैं अपनी पोनी दे दूंगी. मगर एक मिनट, एक मिनट. पोनी नहीं, मैं भी किसी को नहीं देती अपनी पोनी बालों से उतार के. सीरियसली? पोनी यार. चलो मैं आपको एक गाना भी सुनाऊंगा, एक गाना भी. आपको आपकी फरमाइश का गाना सुनाऊंगा. चले ठीक है. ओके अच्छा, चले अब आइए. मिल गया अपने वक्त. आइए आइए आइए, अब आपने अपने हलके को विन करना है. हम देख लेते हैं अभी के आवाम का फैसला क्या होता है. हाँ, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? अच्छा, मुझे बताएं कि 100 में से मुझे और मोहसिन को कितने आप लोग अपनी परसेंटेज देंगे वोट में? वो तो पूछ लेते हैं अभी, लेकिन अभी आपने आप इनके साथ जो कहना चाहते हैं, वो तो लालच, मैं इनको बाद में डील करती रहूंगी लालच के साथ. लेकिन मुझे अभी सिर्फ डायरेक्ट वैसे लालच के बगैर, इनको लगता है मैं आपको लालच दे रही हूँ, उसके बगैर ही आप लोग बता दें. कितने लोग वोट कर रहे हैं अभी मोहसिन के लिए? 100 में से कितने उनके वोट है, कितने मेरे वोट? हाथ हाथ खड़े करेंगे मोहसिन के लिए. मोहसिन अपने वोटर्स देख लें, ठीक है? और कितने लोग निमरा को वोट कर रहे हैं? तो अब मुझे बताएंगे इस तरह के उसमें क्या फैसला करें? हाँ, फैसला अब आप करेंगी. आप? मैं फैसला ये करूंगी किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा. जाहिर है, जब आप लोग मतलब बराबर बराबर दोनों को चलाओगे तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते. इलेक्शन करीब है. आप लोग को ये बात समझ नहीं आ रही है कि ब्रेसलेट एक ही है? हाँ, किसी एक ही को मिल रही है. पप्पी सबको मिल सकती है. और ये मतलब देखें, फरा एक बहुत सोबर मॉर्निंग शो करती है, उसमें ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल नहीं करें. हाँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इकलौता ही सोबर बचा हुआ है, उसको रहने दो. ऐसे मैं बहनों की बात कर रही हूँ. जी जी, बहनों को. हाँ, सिस्टर्स. बैठो बैठो. अच्छा चलिए, यहाँ पे कॉल लेती हूँ मैं. निमरा मेरे पास आओगी आप, बिकॉज हम यहाँ से निकालेंगे अपनी कॉलर्स के लिए कुछ लॉन के सूट्स. कौन है इस वक्त लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फरा? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र. आपका नाम क्या है? साइमा हसन, इस्लामाबाद से. साइमा, थैंक यू फॉर कॉलिंग. साइमा, कौन सा नंबर इनमें से पसंद करना चाहेंगी? नंबर 6 दे दे. नंबर 6. निमरा देखो, नंबर 6 में क्या है. वी विल ओपन नंबर 6 फॉर यू. ओ ऐसे ही खुल ले. निमरा के दिमाग की तरह.